हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। राजीव गांधी स्टेडियम बवाना में ये दूसरा बैच भाई साहब बाहर आ गया है, दूसरे बैच के बाहर आ गए हैं। इनसे बात करते हैं भाई, कितने लड़के दौड़ाए और कितने पकड़े गए हैं भाई? कितने बच्चों को बैच भगाया था? 40 पकड़े हैं। कितने का बैच भगाया था भाई? 150 का। और पकड़े कितने? 42। दूसरा बैच था क्या आपका? कितना टाइम दे रहे हैं भाई? लगभग पाँच दस बता रहे हैं भाई। कितने बच्चे पकड़े हैं भाई? पहले में 58, दूसरे में कितने पकड़े भाई? कितने बच्चे पकड़े हैं भाई इस बैच में? दूसरे में 42। और पहले में कितने पकड़े थे? 58। कितना टाइम दे रहे हैं भाई? लगभग 5 मिनट के आसपास दे रहे हैं। कितने का बैच दौड़ाया था भाई? 150 का। तो भाई बता रहे हैं भाई, 150 का बैच दौड़ाया था। दूसरे बैच में 40 बच्चे पकड़े हैं और पहले बैच में भी 150 भगाए थे, उसमें 58 बच्चे पकड़े हैं। तो बच्चे अच्छे पकड़ रहे हैं भाई। ये भाई आए हैं। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे की न्यूज देते रहेंगे आपको पूरी भर्ती की। क्या नाम भाई? अंदर फौजिया का व्यवहार वगैरह सब बढ़िया, अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? कोई मारना वारना इस तरह का कोई नहीं। कितने के बैच और बच रहे हैं भाई अभी अंदर? 3,000 450 के आसपास तो हाइट में निकाल दिए थे। हाइट में भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांग रहे हैं भाई? डॉक्यूमेंट्स भी निकाले, कुछ फॉर्म निकाल दिए हमें डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ जो मेन डॉक्यूमेंट जिनके पास ना है ना, उन्हें जैसे रिव्यू में रख के फिर दोबारा ले ले। अच्छा। तो ये भाई दूसरे बैच में भी 150 बच्चे में 40 बच्चे पकड़े हैं। बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं, 5-5-5-10 के आसपास का टाइम दे रहे हैं। काफी अच्छी भर्ती हो रही है। हाइट के अंदर और कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर जरूर बच्चे निकले हैं, बाकी सब अच्छा होगा। और बाकी कोई अपडेट आती है तो आपको देते हैं। तीसरा बैच जैसे आएगा और जो भी सूचना रहेगी आपको दे दी जाएगी भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना भाई। आगे भी आने वाली सभी भर्तियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।